हेलो जी, लॉन्ग टाइम नो सी। काफी दिनों बाद आज ब्लॉग बना रहा हूँ मैं, और आज मैं ज्यादातर गियर्स के बारे में बात करूंगा। इस गियर के बारे में बात नहीं, गैजेट्स वगैरह के बारे में। और अभी फिलहाल मैं थोड़ा सामान लेने जा रहा हूँ, चलते हैं। तो अभी थोड़ी मुझे भूख लग रही थी तो फ्रूट्स लेने जा रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल। इस बार व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आ रहा है और ये व्लॉग थोड़ा गियर्स के बारे में ही है, कुछ ज़्यादा खास है नहीं है। घूमने भी नहीं जा रहा हूँ आजकल, जरा काम ज़्यादा है घर में। तो सर जी हमने लिए हैं बनाना। हाँ जी, तो सर फ्रूट्स हमने ले लिए हैं जो कि हैं बनाना। अब मैं घर वापस जा रहा हूँ और घर जाकर आपसे अपने गैजेट्स के बारे में थोड़ी वार्तालाप करेंगे आज। ओके, सो ये है मेरे सारे गैजेट जिनसे मैं अपने सेल्फ पोर्ट्रेट्स, फोटोग्राफी और व्लॉग्स बनाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। ये मैंने कुछ वीक्स पहले ही ख़रीदा है, यह है गोरिल्ला पॉड। 300 रुपीज़ का मुझे पड़ा था। अच्छी चीज़ है, फ्लेक्सिबल है, कहीं पर भी एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अपने ज़्यादातर अपने फ़ोन से ही व्लॉग्स बनाता हूँ तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है ये। और यह है मेरा आईफोन 11 प्रो, इससे मैं अपने सारे व्लॉग्स बनाता हूँ और आजकल तो फोटोग्राफी वगैरह भी इसी से ही कर रहा हूँ, क्योंकि इजी टू कैरी है, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं। इसकी प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि ये मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट दिया था। सो या और ये है मेरा निकॉन D34 DSLR। ये मैंने 2019 या 18 में ऐसे कुछ लिया था, अराउंड 50,000 का पड़ा था जूम लेंस के साथ। इसको मैंने करीबन 4-5 महीनों से इसका यूज़ नहीं किया है क्योंकि सारे काम तो मैं इसी से कर ले रहा हूँ। बट या ये बिगिनर्स के लिए है, अच्छा है, बट अगर थोड़े क्रिएटिव हो तो कुछ भी कर सकते हो इससे भी। और ये है मेरा फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी J7। इससे मैं अपनी ज़्यादातर जितनी भी मेरी इंस्टाग्राम पे फोटोज़ हैं सब इसी से ही एडिट किए हैं मैंने। और यह है मेरा पहला कैमरा सोनी साइबर शॉट। ये अराउंड मुझे 14,000 का पड़ा था, ये करीबन 2012 में लिया था और यहीं से ही मेरी फोटोग्राफी की शुरुआत हुई थी। सो दीज आर माई गैजेट्स। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर आपको फोटोग्राफी या फिल्म मेकिंग या किसी चीज़ का भी शौक है तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट नीड दिस। मेरी ज़्यादातर फ़ोटोज़ इसी से क्लिक हुई हैं, मेरी जितनी भी इंस्टाग्राम पे हैं फ़ोटोज़ इसी से ही एडिट हुई हैं। अब कुछ लोग कहेंगे तेरे पास तो आईफोन है। हाँ है, ये भी मुझे बस कुछ महीनों पहले ही मिला है, और अभी भी मैं अगर इससे वीडियोज़ बनाता हूँ या फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ तो इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ, फिर इसमें एडिट करता हूँ, देन आई अपलोड इट। सो या इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसके पास तो DSLR है, आईफोन है, इसलिए ये सब कह रहा है कि हाँ इसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। बट ब्रो, मैंने भी तो इस फ़ोन से शुरुआत की थी। ये मेरा STC है, मेरा पहला फ़ोन है, ये अभी तक मैंने बेचा नहीं क्योंकि थोड़ी बहुत अटैचमेंट हो जाती है मुझे अपनी चीज़ों से, बाइक हो या मशीन हो कुछ भी। खैर ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, ना इसका कैमरा क्वालिटी अच्छा है, ना ही इसमें कुछ खास है कुछ ऐसा, लेकिन मैंने इससे ही शुरुआत की है। मेरी इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे स्टार्टिंग में जितनी फोटोज़ हैं सब इसी से एडिट किए हैं मैंने, और कुछ तो क्लिक भी इसी में से किए हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे पास जो भी है उससे कर सकते हो। और रही बात इस आईफोन की, ये मेरे बड़े भाई ने मुझे गिफ्ट किया है, वो भी इसलिए गिफ्ट किया है क्योंकि उसे पता है मैं इन सब चीज़ों में अच्छा हूँ। अगर ये चीज़ मेरे हाथ में आ जाए तो मैं और भी उसे अच्छा कर सकता हूँ, और कोई खास वजह नहीं है, वरना मुझे आईफोन वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आजकल 7 से 8 हज़ार में कोई भी अच्छा फ़ोन आ जाता है जिनकी वीडियोज़ और फोटो क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आजकल मैं लोग देखता हूँ यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले कहते हैं DSLR लेना है, गिम्बल लेना है, बट फ़ायदा क्या वो सब चीज़ें लेके, अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, ना ही आपको कुछ आता है उसे अच्छे से यूज़ करना, तो फ़ायदा क्या। जो है अभी हाथ में शुरू कर दो उसी से ही। मेरी अगर इंस्टाग्राम पर जाके देखोगे कुछ मैंने वीडियोज़ भी हैं मेरी फीड पर, मैंने 4-5 साल पहले शायद बनाई होंगी वो वीडियोज़। मैं उस टाइम पे भी शुरू कर सकता था अपना यूट्यूब वगैरह, मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे को लगता है कि उस टाइम पे मैं रेडी नहीं था। हालांकि वो वीडियोस बहुत अच्छी थी लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं रेडी नहीं उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि हाँ अब मैं बहुत कुछ आ गया है मुझे, नहीं, अभी भी मैं लर्निंग की स्टेज में हूँ।
सीख रहा हूँ, लेकिन हाँ आज ये है कि मैं, मुझे पता है कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मैं उन लोगों से बहुत बेटर वर्क कर रहा हूँ जिनके पास सब कुछ गैजेट्स हैं, लैपटॉप में एडिट करते हैं सब कुछ। मैं सिर्फ अपने फ़ोन से वो सब कर सकता हूँ बेटर, इज़ दैट सिंपल। और रही बात मेरे व्लॉग्स इतने लेट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आजकल मेरा व्लॉगिंग फोटोग्राफी वगैरह करने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है। लाइफ थोड़ी सी मैस्ड अप चल रही है, थोड़ा सा चीज़ें फिक्स कर रहा हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ व्लॉग्स बनाते रहूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह हैं। फोटोग्राफी वगैरह करना ये सब अच्छा लगता है ये सब करके। अभी मैं फ्री बैठा था, सोचा इस टॉपिक पे भी वीडियो बनाई जाए। तो या बाय द वे, कोई घूमने का शौकीन अगर कोई वीडियो देख रहा है तो जस्ट DM मी। मेरा आजकल घूमने फिरने का भी मन कर रहा है। हल्द्वानी के आसपास ही कोई है तो डजंट मैटर अगर हम एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसी बहाने कुछ नए लोगों से मिलने को मिल जाएगा मुझे। खैर आज की वीडियो यहीं तक है, अब देखते हैं अगला व्लॉग कब आता है। सी यू नेक्स्ट टाइम। और अभी फ़िलहाल मैं